चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा दाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने चूटी में चावल व चमची में दूध वाली गणेश जी की कहानी सुनी है, लेकिन आपको आज मैं गणेश जी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आप पहली बार सुनेंगे, पवित्र और सच्ची कहानी। कहानी सुनने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके लिए बोलेंगे, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। यह मंत्र 5 बार बोलना है, उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश 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 गणेश। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया माँ अपने पालतू मूषक के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उस नगर में कोई ना कोई उस बुढ़िया को आटा दाल और खाना दे देता था, जिससे वह बुढ़िया का गुजारा चल जाता था। बुढ़िया पहले अपने मूषक को खिलाती, फिर खुद खाती थी। एक बार की बात है, दंडक चौथ, उस दिन दंडक चौथ थी। सभी नगरवासी अपने अपने घरों में मेढ़े के गणेश जी की पूजा पाठ कर रहे थे। कोई चूरमा दाल बाटी बनाकर भोग लगा रहा था, कोई बेसन के लड्डू, कोई खीर पूड़ी पकौड़ी बनाकर मेढ़े के गणेश जी के भोग लगा रहा था और पूजा पाठ कर रहा था। उस दिन उस बुढ़िया को किसी ने कुछ नहीं दिया। भूखी प्यासी बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी उस नगरी में एक छोटा सा बालक हर घर में पूछता फिर रहा था, कोई मुझे लड्डू बनाकर दे दो, कोई मुझे लड्डू बनाकर दे दो। उस बालक के पास एक चमची में बेसन, एक चमची में देसी घी और एक चमची में चीनी थी। जिस घर में भी वो पूछने जाता, उस घर में से सभी उसे छिड़क कर भगा देते और सब उस बालक के ऊपर हंस देते। पूरी नगरी में पूछने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उदास चुपचाप। तभी बुढ़िया का मूषक उस बालक के पास पहुंचा। मूषक उस बालक को पहचान गया कि यह और कोई नहीं, खुद गणेश भगवान है। मूषक बोला, अरे महाराज, आप मेरे साथ मेरी माँ के घर चलो, वो आपको लड्डू बनाकर दे देगी। बालक रूप में गणेश जी बोले, अरे मूषक मेरी सवारी, तुमने मुझे पहचान लिया, चलो तो चलो, तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। तब बालक रूप में गणेश जी मूषक के ऊपर बैठकर बुढ़िया के पास पहुंचे। मूषक ने अपनी बुढ़िया माँ से कहा, माँ, यह बालक बेसन घी चीनी लेकर आया है, क्या आप इसके लिए बेसन के लड्डू बना दोगी? तो बुढ़िया माँ बोली, हाँ मूषक बेटा, बना दूंगी। तब वो बालक एक चमची बेसन, एक चमची घी और एक चमची चीनी दिया और बोला, माँ ये लो लड्डू बना दो। बुढ़िया ने छोटी सी कढ़ाई चूल्हे पर रखी। तब बालक बोला, माँ बड़ी से बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रखो। तब बुढ़िया बोली, बेटा जितनी सामग्री तुम्हारे पास है उतने में तो मेरी ये छोटी कढ़ाई ही ठीक रहेगी। लेकिन बालक की जिद के आगे बुढ़िया हार गई। सो बुढ़िया ने बड़ी से बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रखी। जैसे ही एक चमची कढ़ाई में डाला, कढ़ाई घी से फुल भर गई। फिर एक चमची बेसन डाला तो बेसन भी फुल कढ़ाई में भर गया। इस तरह एक चमची चीनी डाली तो वो भी फूल गई और लबालब भर गई। अब बुढ़िया माँ ने बहुत अच्छे से बेसन घी में सेका, पूरी खुशबू पूरे नगर में फैल गई। बुढ़िया माँ ने लड्डू बनाए, बालक रूपी गणेश जी ने 4 लड्डू खाए, मूषक ने 4 लड्डू खाए। बुढ़िया माँ बोली, अब इन सब लड्डुओं का क्या करें? बालक ने कहा, पूरी नगरी को जीवने का न्योता दे दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जीवने का न्योता दे दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये बुढ़िया तो खुद मांग कर खाती थी, आज ये पूरी नगरी को जिमा रही है। पूरी नगरी जीवने आई, उन्होंने इतने स्वादिष्ट घी के बेसन के लड्डू आज तक पहले कभी नहीं खाए थे। उस कढ़ाई में से जितने लड्डू निकालते वो कढ़ाई वापस फुल भर जाती। बुढ़िया को और पूरी नगरी को बहुत आश्चर्य हुआ। सबने बुढ़िया से पूछा कि ये क्या माजरा है। बुढ़िया ने अपने मूषक से पूछा, तब मूषक ने पूरी बात बताई और मूषक ने बालक को अपनी पीठ पर बैठाया। तब पूरी नगरी ने वह बुढ़िया ने साक्षात गणेश जी के दर्शन किए। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए मूषक की सवारी। उस मूषक ने सभी को गणेश जी के दर्शन कराकर तार दिए। बालक रूपी गणेश जी जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए तो वह सुंदर महल में बदल गया।
वो बुढ़िया व मूषक इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया को और उस मूषक को दर्शन दिए और उनका कल्याण किया, वैसे सबका करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा देने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको गणेश जी की कहानी सुनाई। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा दाबाई, धन्यवाद।